Assalamualaikum, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है खड़ा डिनर। खड़ा डिनर का मतलब आप लोग जानते हैं। देखिए, डिनर का मतलब होता है रात का खाना, और खड़ा डिनर यानी कि वैसा रात का खाना जिसको खड़ा होकर खाया जाता हो। खड़ा डिनर को बफेट सिस्टम भी कहते हैं, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा शादी बारात में देखी जा रही है। देखिए, खड़ा डिनर में होता ये है कि जो भी भोजन हम लोग पकवाते हैं, मतलब जो भी भोजन तैयार किया जाता है, खाना बनवाकर और मेज़ पर लाइन बाई लाइन यानी कि वन बाई वन करके सजा दो, यानी कि सभी तरह का भोजन पकाया जाता है। सभी तरह का भोजन बनवाकर और मेज़ पर रख दिया जाता है वन बाई वन। अब जिसको भी भूख लगा होता है वो जाता है, और उन सभी भोजन में से जो भी उसको भोजन पसंद है, जो भी उसको खाना पसंद है, वो क्या करेगा, अपने प्लेट में ले लेता है। मान लीजिए दाल ले लिया, चावल ले लिया, सब्जी ले लिया, जो भी उसको पसंद है, उन सभी तरह का ना भोजन अवेलेबल होता है, उसमें से जो भी उसको पसंद है वो अपने प्लेट में ले लेता है, और उसके बाद से खड़ा होकर खाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग खड़ा डिनर। अब वो चाहे तो वहाँ पर मेज़ भी रहता है, मेज़ पर बैठकर भी खा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो खड़े होकर खाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, खड़ा डिनर, यानी कि वैसा रात का खाना जिसको खड़ा होकर खाया जाता हो। और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बफेट सिस्टम, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा शादी बारात में देखी जा रही है, लोग ऐसे ही खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये खड़ा डिनर, इसका नाम क्या है, खड़ा डिनर, जो कि एक नज़्म यानी कि कविता है, और ये नज़्म खड़ा डिनर पर लिखा गया है। और इस कविता में यानी कि इस नज़्म में खड़ा डिनर का एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, जो इस चैप्टर के लेखक हैं मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद जाफरी, वाकई में खड़ा डिनर का इस कविता में मजाक उड़ाया है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक नज़्म है, लेकिन नज़्म में भी कौन सा नज़्म है, मज़ाहिया नज़्म, यानी कि वैसा नज़्म, वैसा कविता जिसको पढ़कर हंसी आए। ठीक है, तो ये नज़्म कौन सा नज़्म है, मज़ाहिया नज़्म है, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। ज़रीफ़ाना नज़्म का भी मतलब होता है जिसमें हंसी मजाक हो, जिस कविता में हंसी मजाक हो उसको कहते हैं ज़रीफ़ाना नज़्म। तो आप इस नज़्म को ज़रीफ़ाना नज़्म भी बोल सकते हैं और मज़ाहिया नज़्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो लेखक हैं सैयद मोहम्मद जाफरी, उनके बारे में जानेंगे, फिर मैं आप लोगों को इस खड़ा डिनर नाम का कविता को पढ़कर बताऊंगी, और ढेर सारी जो है ना इसमें खड़ा डिनर का मजाक जो उड़ाया गया है उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या खड़ा डिनर के बारे में जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी बताए हैं। ठीक है, और क्या मजाक उड़ाए हैं। तो सबसे पहले सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में समझिए। देखिए, इनकी पैदाइश की बात कर लें तो 1905 ईस्वी को लाहौर में हुई है सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश, और इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफरी। देखिए, लेखक का नाम है सैयद मोहम्मद जाफरी, और इनके पिताजी का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफरी, इसमें सिर्फ अली लग गया है, तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी जो है ना वो सैयद मोहम्मद जाफरी के पिता हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तालीम व तरबियत यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी की जो पढ़ाई लिखाई है वो फूफीजाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिजवी के ज़ेर साया हुई। सैयद मोहम्मद जाफरी की जो पढ़ाई लिखाई थी ना वो उनके फूफी की भाई थे, जिनका नाम था सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिजवी, उन्हीं के ज़ेर साया हुई, यानी कि सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिजवी ही जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी को शुरुआती शिक्षा दिए, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, और उसके बाद से अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी ने हासिल की। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी तीनों लैंग्वेज की इन्होंने तालीम हासिल कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली, और एक तरह से देखा जाए तो तीनों लैंग्वेज की उन्होंने मतलब सारी नॉलेज जो है उन्होंने भरपूर अपने माइंड में फिट कर लिया, और एक तरह से महारत हासिल कर ली अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में। ठीक है, और उसके बाद से 1922 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिए, कौन, सैयद मोहम्मद जाफरी। और उसके बाद से हिंदी मजामीन के साथ बीएससी की ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद आर्ट्स की तरफ मुतवज्जा हुए। देखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी जो है ना वो हिंदी सब्जेक्ट के साथ बीएससी की ऑनर्स की डिग्री ली, यानी कि बीएससी भी वो कर लिए, और उसके बाद आर्ट्स की तरफ मुतवज्जा हुए। उसके बाद इन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया, और उसके बाद से फ़ारसी में एमए करने के बाद वो अंग्रेज़ी में भी एमए किए, फ़ारसी में एमए करने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश में भी एमए किए। ठीक है, आगे बढ़िए। तस्वीर कशी यानी कि फ़ोटोग्राफी, और खताती यानी कि खत, और मिसूरी यानी कि पेंटिंग से भी उनका काफ़ी दिलचस्पी था, किसको, सैयद मोहम्मद जाफरी को, और इसीलिए वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिए थे। ठीक है, यानी कि आर्ट्स के कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया था, और अब्दुल रहमान चुगताई और फिरोज़ुद्दीन जैसे टीचर से इन्होंने
आर्ट सीखा, यानी कि ये तस्वीर कशी, खताती और उसके बाद से मिसूरी यानी कि फोटोग्राफी, खत लिखने का और उसके बाद से पेंटिंग करने की जो कला है वो इन दोनों जन से इन्होंने सीखी। एक थे अब्दुल रहमान चुगताई और एक थे फिरोज़ुद्दीन, ठीक है, इन दोनों से जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी ये कला सीखी थी। और उसके बाद से महकमा इत्तला'आत से वाबस्ता रहे, यानी कि सूचना विभाग में जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी काम करने लगे और वहाँ पर वो जॉब करने लगे। और उसके बाद से यही महकमा सूचना विभाग में काम करते वक्त जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी को तेहरान भी भेजा गया, तो वो तेहरान भी गए थे। और लास्ट में 1966 ईस्वी में उनको सबकदोश होना पड़ा, यानी कि ये जो सूचना विभाग में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, वहाँ से वो 1966 ईस्वी में रिटायर हो गए, उनका रिटायरमेंट हो गया। आगे बढ़िए, इनका एक मज़ाही और शायरी का मजमुआ आप लोगों के बुक में दिया गया है। मज़ाही और शायरी का मजमुआ मतलब समझते हैं, यानी कि वैसा शेर व शायरी का किताब जिसको पढ़कर हंसी आए, उसी को बोलते हैं हम लोग मज़ाही और शायरी का मजमुआ, ठीक है। यानी कि वैसा शायरी का मजमुआ, वैसा शेर व शायरी का किताब जो मज़ाही हो, यानी कि पढ़कर जिसको हंसी आए, जिसमें हंसी मजाक की बात हो, ठीक है। तो एक वही मज़ाही और शायरी के मजमुआ का नाम है शूखी तहरीर, ठीक है, शूखी तहरीर याद रखिएगा। ये क्या है, शेर व शायरी का किताब है जो कि मज़ाही शेर व शायरी इसमें है, यानी कि हंसने हंसाने वाली शायरी। क्या नाम है किताब का, शूखी तहरीर, याद रखिएगा। और अंत में सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल यानी कि उनकी मौत 7 जनवरी 1976 ईस्वी को हुई थी। तो ये हो गया सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को इस खड़ा डिनर नाम का नज़्म यानी कि कविता को पढ़कर हर एक एक लाइन का मतलब समझाती हूँ और ढेर सारी चीज़ें इस कविता में हम लोग समझते हैं। चलिए एक मिनट, हाँ तो देखिए शुरू शुरू में सैयद मोहम्मद जाफरी लिखे हैं कि खड़ा डिनर है, गरीबुल दियार खाते हैं, बने हुए शतरे बेमुहार खाते हैं और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं, शिकम गरीब की यूँ फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फौजी परेड होती है। देखिए यहाँ पर जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी शुरुआत में ही खड़ा डिनर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि ये खड़ा डिनर जो है ना लोग ऐसे खाते हैं लगता है कि कोई गरीब खा रहा हो, अपने से जाकर लेना है और उसके बाद से खड़ा होकर खाना है, ऐसा लग रहा है कि गरीब खा रहा है। और लोग तो बेलगाम ऊँट की तरह खाते ही जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो मतलब खड़ा होकर नहीं खा रहे हैं, मेज़ पर सवार होकर खा रहे हैं, यानी कि मेज़ पर बैठकर खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी शान से खा रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि उधार खा रहे हों, ठीक है। और ये कैसा मतलब डिनर है, ये कैसा खड़ा डिनर हम लोग को खिलाया जा रहा है कि जिसमें जो है ना खाने के लिए ऐसा लग रहा है कि लोग फौजी परेड कर रहे हों, जिस तरह फौजी लोगों को परेड करवाया जाता है उसी तरह लग रहा है कि खाने के लिए मतलब लोग जो है फौजी परेड कर रहे हों। खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट लिए, उन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए, इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, खड़ा था पीछे सौ में रह गया प्लेट लिए, यह मेज़ हो गई खाली, अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिया होगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी तरह का तो भोजन मेज़ पर अवेलेबल है, सभी तरह का खाना है, अब जो है ना खाना लेने के लिए, भोजन लेने के लिए लाइन लगी हुई है लोगों की, और मैं भी 100 के पीछे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और मतलब 100 लोगों के पीछे मैं खड़ा हूँ, कौन बोल रहे हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी गए थे खड़ा डिनर खाने के लिए ना, तो मैं 100 के पीछे खड़ा हूँ और मेरे आगे जितने भी 100 लोग हैं वो अपने लिए फटाफट कोफ्ते कोई लपेट रहा है, कोई इधर उधर का खाना, जो भी उनको भोजन में पसंद है, जो भी उनको खाना पसंद है वो अपने प्लेट में फटाफट लपेट ले रहे हैं, यानी कि फटाफट ले रहे हैं, और उस जितने भी इधर उधर के खाने थे सब लोग समेट ले रहे हैं। और जब 100 के बाद मैं बेचारा पीछे 100 में खड़ा था, जब मेरा 100 के बाद नंबर आया मेरा, तो सारा मेज़ ही खाली हो गया, खाना ही ख़त्म हो गया, अब क्या होगा। अब आगे क्या हुआ देखिए, लिखे हैं कि थी एक मुर्ग की टांग और एक रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पर देर में जागा, कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर यह क्या है, ना पीछे जिसके ना आगा, ठीक है, यह क्या खबर थी, मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए है अफसाने। यहाँ पर बोला जा रहा है, सैयद मोहम्मद जाफरी कह रहे हैं कि थी एक मुर्ग की टांग, यानी कि एक मुर्गी की टांग थी, मैं सोचा कि मैं उसको उठा लूं, लेकिन उसको कोई दूसरा इंसान उठाकर लेकर चला गया, मेरा नसीब भी जागा पर देर से जागा, मैंने जैसे ही कबाब उठाया तो उस कबाब में धागा ही लिपट गया। भाई ये कैसा डिनर खिलाया जा रहा है,
जिसमें लोग दौड़ धूप कर रहे हैं खाने के लिए, क्या डिनर है जिसमें आगे ना पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा डिनर खिलाया जा रहा है। अब देखिए उस खड़ा डिनर में क्या हकीकत थी, क्या रियलिटी थी। आगे जो है ना सैयद मोहम्मद जाफरी लिखे हैं कि हकीकतों का ना कहना ज़माना शाजी है, यह शख्स देखने में बड़ा नमाजी है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है, डिनर यह क्या है, यह घोड़ी दौड़ की सी बाजी है, लगाई भूख में महमीज़ जिसने पार हुआ, नहीं तो मेरी तरह से डिनर में ख्वार हुआ। देखिए यहाँ पर सैयद मोहम्मद जाफरी कह रहे हैं कि हकीकतों का क्या कहना, मतलब क्या मैं हकीकत बताऊँ, क्या मैं रियलिटी बताऊँ। एक शख्स जो देखने में बहुत बड़ा नमाजी लग रहा था, लेकिन वो खाने में पीछे नहीं था, एकदम लगातार खा ही जा रहा था, खाते ही जा रहा था, मतलब लग रहा था कि वही एक मोटी ताज़ी मुर्गी उड़ाएगा, मतलब एक लग रहा है वो मोटी ताज़ी मुर्गी अकेले ही वो खा जाएगा। ठीक है, डिनर यह क्या है, घोड़ी दौड़ की सी बाजी, मतलब ये कैसा डिनर खिलाया जा रहा है जिसमें घोड़े की तरह लोग दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि घोड़े की दौड़ की बाजी लगी हुई है और सभी लोग घोड़े की तरह दौड़ दौड़ कर खाना को खा रहे हैं। और उसके बाद से लगाई भूख में महमीज़ जिसने पार हुआ, यानी कि जिसको भूख लगा है और वो खाने के लिए मेहनत किया, दौड़ लगाई, तो उसको तो भाई खाना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैयद मोहम्मद जाफरी बोल रहे हैं कि अगर मेरी तरह कोई इंसान इस तरह के खड़े डिनर में खाने के लिए चला जाए तो वो उसको बिना खाए आना पड़ेगा। ठीक है, वह एक मेज़ ख्वातीन गर्द सफ आरा, लबों से उनके रवा गुफ्तगू का फवारा, मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूँ बेचारा, कि यह हटे तो उठाऊँ मैं नान का पारा, असीर हलक़े खुबा जो मुर्ग व माही है, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मेज़ है और उस मेज़ के चारों तरफ ख्वातीन यानी कि औरतें जो है वो खड़ी हुई हैं, ढेर सारी औरतें हैं, और ऑब्वियसली बात है जहाँ पर ढेर सारी औरतें रहेंगी वहाँ पर तो बातचीत का फवारा उड़ेगा ही, यानी कि गुफ्तगू वो तो करेंगे ही, कोई कुछ ये बोलेगी कुछ वो बोलेगी, मतलब बातचीत का फव्वारा उड़ने लगेगा। ठीक है, तो मैं बेचारा जो हूँ एक अलग सहमा सा खड़ा हुआ हूँ कि कब ये जो औरतें हैं ये मेज़ के पास से हटे तो मैं जाकर एक नान का पारा उठाऊँ, यानी कि नान रोटी आप लोग खाते हैं ना वही नान रोटी, तो मैं जाकर एक नान रोटी उठाऊँ, असीर हलक़े खुबास जो मुर्ग व माही है। देखिए मुर्ग व मछली के चारों तरफ जो है ना लोग खड़े हुए हैं और भीड़ लगी हुई है, कहीं से भी मुर्ग और मछली लेने का जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा है मुझको, ऐसा लग रहा है कि मुझे ये खड़ा डिनर यानी कि डिनर बिना खाए ही मुझको घर वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर जो है आप लोगों का ये कविता कंप्लीट होता है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 22 जो है आप लोगों का कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से सबसे ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे ना तो घंटी यानी कि बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है, और जब आप लोग घंटी को दबाएंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।